25 साल का एक लड़का एक नेता के साथ नेहरू से मिलने गया, लौटा तो हाथ में लोकसभा का टिकट था। नेता जो आगे चलकर सूबे का पहला दलित मुख्यमंत्री बना, थैंक्स टू नेहरू का नाती। एक मुख्यमंत्री जिसने महादेवी वर्मा की कविता पर बोला और इंदिरा खफा हो गई, और फिर सीतापुर के उद्घाटन का मिथक बना, जो आएगा वो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आप देख रहे हैं ललन टॉप के पॉलिटिकल किस्सों की खास सीरीज मुख्यमंत्री, जिसके इस अंक में हम बात करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया की। भरतपुर जिले में कस्बा है भुसावर, अभी अपने अचार और मुरब्बों के लिए फेमस है। इस कस्बे में मास्टर आदित्येंद्र की ससुराल थी। अभी वाला श्रीमान कौन है मास्टर आदित्येंद्र? ये कांग्रेस के सोशलिस्ट धड़े के बड़े नेता थे, आजादी की लड़ाई के सिपाही थे। मास्टर साहब साल में एक आध बार ससुराल आते, यही उनकी मुलाकात एक जोशीले नौजवान से हुई। दलित समाज से आने वाला मजदूर का बेटा मगर पढ़ाई में तेज, नाम जगन्नाथ, मास्टर ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। आप जो बता रहा हूँ वो बात 1957 की है, पहाड़िया लॉ कर रहे थे, तभी एक रोज मास्टर से मिले। आदित्येंद्र ने कहा हमारे साथ दिल्ली चलो, तुम्हें पंडित जी से मिलवाना है। पहाड़िया चल दिए, मास्टर जी ने उनका पंडित जी से परिचय करवाया। ये पंडित जी कौन है, इनका परिचय आपसे तो करवा दूं। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, सब पंडित जी बोलते थे उन्हें। नौजवान देखकर नेहरू पूछ पड़े कैसा चल रहा है देश? पहाड़िया ने जवाब दिया बाकी चीजें तो अच्छी चल रही है, लेकिन देश में दलितों को रिप्रेजेंटेशन ठीक से नहीं मिल रहा। अभी सुनने में ये सामान्य संवाद लग रहा है, पर सोचिए एक तरफ नेहरू देश के प्रधानमंत्री कल्ट फिगर, दूसरी तरफ 25 साल का एक लड़का जो पहली बार दिल्ली आया है। खैर बातचीत शुरू हुई, अब नेहरू बोले तुम क्यों नहीं चुनाव लड़कर रिप्रेजेंटेशन कराते? पहाड़िया ने कहा आप टिकट दीजिए, मैं चुनाव लड़ूंगा। नेहरू ने बात मान ली और कुछ ही महीनों बाद होने वाले चुनाव में पहाड़िया को कांग्रेस का टिकट दे दिया गया। सीट थी सवाई माधोपुर। उन दिनों कई लोकसभा ऐसी होती थी जिनसे दो सांसद चुने जाते थे, ये भी ऐसी ही सीट थी। यहां से उस साल जो दो लोग सांसद बने वो दोनों मुख्यमंत्री की पट्टिका में दर्ज है, एक हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री और दूसरे जगन्नाथ पहाड़िया। पर अभी पहाड़िया के सीएम बनने में वक्त है, अभी तो वो 25 साल और 2 महीने के हैं, अभी तो वो लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने हैं। तब का ये रोचक वाक्य सुनिए। सांसद पहाड़िया ने जीत का सर्टिफिकेट लिया और बक्सा टांगकर दिल्ली के लिए रेलगाड़ी पकड़ी। मथुरा में टीटी आया, टिकट के लिए पूछने लगा। पहाड़िया बोले मैं सांसद हूं। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि सांसदों और विधायकों को सरकारी ट्रांसपोर्ट में मुफ्त सफर की सुविधा है। खैर टीटी ने जवाब सुना और बोला तुम सांसद हो तो मैं जवाहरलाल नेहरू हूं। आसपास के लोग हंसने लगे। टीटी ने कहा खड़े हो जाओ। पहाड़िया खड़े हुए, फिर बेंच के नीचे रखा बक्सा आगे खिसकाया और उसमें से एक कागज निकाला। अब रंग उड़ने की बारी टीटी की थी, क्योंकि यह कागज पहाड़िया का चुनावी सर्टिफिकेट था। 1962 के लोकसभा चुनाव आते आते एक सीट से दो सांसद वाला प्रावधान पूरी तरह खत्म हो चुका था। पहाड़िया कांग्रेस सिंबल पर थे, मगर इस बार उनका सितारा डूब गया। उन्हें पटखनी दी सितारा चुनाव निशान वाली स्वतंत्र पार्टी के केसर सिंह ने। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बनाई स्वतंत्र पार्टी का यह पहला लोकसभा चुनाव था और इसे राजस्थान में रजवाड़ों का दम था। अब पहाड़िया के पास वकालत का ठौर था, मगर नेहरू उन्हें भूले नहीं थे। 1964 में पहाड़िया राजसभा के रास्ते फिर दिल्ली पहुंच गए। 1967 के चुनाव में उन्हें लोकसभा के लिए फिर उतार दिया गया, मगर इस बार इंदिरा ने उनकी सीट बदल दी। वे हिंडौन पहुंचे, जीते और फिर सरकार में उपमंत्री भी बने। अगले 10 साल में काबिले जिक्र क्या हुआ इस फसाने के संदर्भ में? पहाड़िया जो राज्यसभा के रास्ते वापस दिल्ली पहुंचे थे, अब वो संजय सभा यानी संजय गांधी के करीबियों की कोठरी का हिस्सा बन गए। उधर राजस्थान में सुखाड़िया राज खत्म हो गया, प्यारे मियां आए और 2 साल में गुजर गए, और फिर हरदेव जोशी सीएम बने, फिर इमरजेंसी आई और गई, कांग्रेस की सत्ता गई, इंदिरा के साथी भी गए, मगर पहाड़िया नहीं गए, डटे रहे संजय गांधी के साथ उनके सबसे मुश्किल वक्त में। जेल का वक्त, जनता पार्टी की सरकार के पलटवार का वक्त, बयाना लोकसभा सीट से 77 का चुनाव हारे जगन्नाथ को तब जूनियर गांधी ने सियासी बयाना दिया, दिन पलटे तो तुम्हारे भी पलटेंगे। मई का आखिरी हफ्ता साल 1980, प्रधानमंत्री इंदिरा के नेतृत्व में कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव भी दनादन जीत रही थी। लोकसभा की तरह यहां भी कमान संजय के हाथ थी, टिकट वितरण से लेकर मुख्यमंत्री चुनने तक। ऐसा ही एक चुनाव चल रहा था दिल्ली के राजस्थान हाउस में, चर्चा शुरू हुई, कुछ विधायकों ने फुसफुसाया एक नाम रामकिशोर व्यास का, मगर तभी संजय गांधी की महीन आवाज गूंजी, सिर्फ 2 शब्दों वाला एक वाक्य, जगन्नाथ पहाड़िया। मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन विधायक दल में यह सब होना तयशुदा स्क्रिप्ट का हिस्सा था। वरिष्ठ पत्रकार सीताराम धलानी ने एक घटना एक वाकया हमें बताया जो इसकी तस्दीक करता है। संजय गांधी विधानसभा चुनाव में अजमेर में एक चुनावी रैली करने गए, फिर सर्किट हाउस पहुंचे। पत्रकारों ने पूछा संजय जी राजस्थान में कांग्रेस का सीएम फेस तो है ही नहीं। संजय ने फेस घुमाया, बगल में खड़े थे बयाना के सांसद जगन्नाथ पहाड़िया, उनके कंधे पर हाथ रख संजय बोले अब तो यही राजस्थान संभालेंगे। संजय ने ऐसा क्यों किया? 3 वजह हैं। पहली, हरदेव जोशी के नेतृत्व में 77 का चुनाव हारे थे। दूसरी, पुराने चावल सुखाड़िया पर खुद मम्मी भरोसा नहीं करती थी और वह पहले से ही कोभवन में बैठे थे। तीसरी, ये संजय गांधी थे, उनकी वजह उनकी पसंद परंपरागत राजनीतिक तर्कों से उलट थी। उन्हें जम गया तो कभी लखनऊ की सियासत न करने वाले वीपी सिंह को सीएम बनाकर यूपी भेज दिया, जम गया तो पहाड़िया को जयपुर की गद्दी दे दी। 6 जून 1980 को पहाड़िया मुख्यमंत्री बन गए। स्थानीय राजनीति में दशकों से जमे गोटा उन पर मंत्रिमंडल के लिए दबाव बनाने लगे। पहाड़िया संभावितों की सूची लेकर दिल्ली में संजय सभा के चक्कर काटने लगे, लेकिन 23 जून 1980 को संजय के प्लेन ने हवा में जो चक्कर खाया तो हुआ एक्सीडेंट, संजय गुजर गए, राजीव आ गए, पहाड़िया की सब राजनीतिक पूंजी स्वाहा हो गई, उनके विरोधी सक्रिय हो गए, उन पर सुस्ती के इल्जाम लगने लगे और फिर हुआ कविता विवाद। 10 जनवरी 1981 जयपुर का रविंद्र मंच ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का वार्षिक अधिवेशन, चीफ गेस्ट थी महादेवी वर्मा, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया। पहाड़िया ने अपना भाषण शुरू किया, बोले महादेवी वर्मा रहस्यवाद और छायावाद की कवयित्री हैं, उनकी रहस्यवादी और गूढ़वादी कविताएं जन सामान्य के सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, मुझे खुद आज तक उनकी कविताएं कभी समझ में नहीं आई, आज का साहित्य जन जन का साहित्य होना चाहिए।
इस टिप्पणी पर वहां बैठे लेखक गण भड़क गए। मीडिया में भी खूब लानत मलानत हुई। महादेवी बुजुर्ग कवयित्री थी, इलाहाबाद की रहने वाली। इंदिरा उन्हें बुआ कहती थी। भतीजी तक भी बात पहुंची। उन्होंने पहाड़िया को तलब कर लिया। सफाई मान तो नहीं गई, लेकिन अब विरोधियों को भी दिल्ली दरबार में सुना जाने लगा। जुलाई 1981 भरतपुर की वैर तहसील पहाड़िया का अपना इलाका। तब भुसावर इसी तहसील का एक हिस्सा होता था। यहाँ एक पुल बना, स्थानीय लोग इसे सीता पुल कहते थे। इसके बारे में एक मिथक चल पड़ा कि जो भी इसके उद्घाटन का मन बनाता उसके दुर्भाग्य का उद्घाटन हो जाता। कई अधिकारी आए चले गए, खबर पहाड़िया तक पहुंची। वो पहुंच गए फीता काटने। उद्घाटन के बाद वो पास के रुदावल कस्बे के हनुमान मंदिर पहुंचे। तभी दिल्ली से वायरलेस आ गया। दिल्ली पहुंचे फौरन, पहाड़िया दिल्ली गए लौटे, मगर पूर्व मुख्यमंत्री बनकर। भरतपुर में सीता पुल की मनहूसियत का मिथक और मजबूत हो गया। वैसे इसे देखने का एक और नजरिया है, वो ये कि पहाड़िया को पता ही था कि रुखसती का वक्त आ गया है, इसलिए उन्होंने सीता पुल के किस्से का लोड नहीं लिया। इसके बाद पहाड़िया की कहानी में कुछ खास रह नहीं जाता। मंत्री फिर बने नहीं, विधायक की जरूर इंदिरा की सहानुभूति लहर में बरकरार रही, मगर इसके भी आखिरी कुछ महीनों में इस्तीफा देना पड़ा। वजह अच्छी थी, राजीव का बुलावा था। प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाकर भेजा। 3 महीने बाद इस पद से भी इस्तीफा। इस बार राजीव ने उन्हें लोकसभा के लिए मैदान उतारा, मगर खेत रहे पहाड़िया। फिर चुनाव हारते जीतते रहे। पत्नी शांति भी सांसद और विधायक रही, मगर बेटों के ऐसे नसीब नहीं रहे। वैर विधानसभा में छोटा बेटा संजय हारा 2008 में। 5 साल बाद उसी सीट पर लड़ा बड़ा बेटा ओम प्रकाश, वो भी हारा। पहाड़िया आखिरी बार पेजवन यानी सुर्खियों में लौटे 2009 में, जब उन्हें हरियाणा का गवर्नर बनाया गया। 2014 में वो रिटायर हुए, फिर जयपुर रहने चले गए।